तो गाइस अगर आपके पीसी के अंदर GTA 5 इंस्टॉल्ड है और आप चाहते हैं इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालने का, तो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं फुल HD जो कि 1080p 60fps पे, आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे जो चैनल के सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और रैंडम गाइस गेमिंग के जो मेंबर है आप बन जाइए। यहाँ पे बहुत सारे गेमिंग के वीडियोस अब आने वाले हैं अब इस चैनल के अंदर, तो GTA 5 रिलेटेड हर कोई अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कैसे आपको यहाँ पे 1080p 60fps रिकॉर्ड करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे गेम प्ले चल रहा है और मैं ये गेम प्ले कर रहा हूँ पूरा के पूरा 1080p 60fps पे रिकॉर्ड, तो कैसे आपको करना होगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो गाइस अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं द रैंडम गाई गेमिंग पे, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे GTA 5 रिलेटेड आप कुछ आगे आने वाले दिनों में। तो जैसे कि आप मेरे को मैंने बताया कि कैसे आप इस पर 1080p 60fps पे जो गेम है रिकॉर्ड कर सकते हैं, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ मेरा GTA 5 जो है वो किस सेटिंग्स पर रन कर रहा है। तो मेरा PC का जो सेटिंग्स है आपको यहाँ पर मैं एक बार प्रॉपर्टीज चेक करवा दूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे PC के अंदर 16GB का रैम है, AMD 5 Ryzen जो कि 4600H है, GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड है इसके अंदर, तो 4GB की ग्राफिक्स कार्ड है। मैं आपको एक बार टेक्नो टास्क बार जो है वो भी मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रैम है यहाँ पे 16GB जो कि 15.4GB आपको यहाँ पे दिख रहा है, CPU आपको यहाँ पे दिख जाएगा AMD का Ryzen 4600H, आपको यहाँ पे GPU दिख जाएगा जो कि NVIDIA का ग्राफिक्स जो GTX 1650 है, और एक AMD का Ryzen का जो ग्राफिक्स होता है हमारे जो CPU के साथ आता है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसके अंदर मैं GTA 5 खेलता हूँ, जो सेटिंग्स है वो मैं आपको गेम लॉन्च करके एक बार दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे GTA 5 का जो स्टोरी मोड है वो यहाँ पे प्ले करता हूँ और जो गेम है वो यहाँ क्रैक्ड वर्जन में यूज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे FPS बहुत ज़्यादा मिलते हैं क्रैक्ड वर्जन के यूजेज पे कंपेयर टू आपके पास अगर आपका कोई ऑनलाइन वर्जन है जो कि स्टीम है या एपिक गेम्स का है। मेरे पास एपिक गेम्स का भी गेम है पर मैं एपिक गेम्स का यूज़ नहीं करता, क्रैक्ड वर्जन ही बेस्ट होता है कि आप स्ट्रीमिंग कैसे कर रहे हो उसके हिसाब से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्रैंकलिन कैरेक्टर है वो यहाँ पे इंटरेक्शन कर रहा है, वो भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी चालू है मेरा यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं आसपास के जो चीज़ें हैं यहाँ पे 60fps पे मूव कर रही है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ थोड़ा सा देखिए सर पंचिंग या कुछ भी करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी फ्रेम ड्रॉप यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे गाड़ी को ड्राइव भी करूँ तो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो चलिए एक बार ड्राइव कर लेते हैं थोड़ा सा, और देख सकते हैं यहाँ पे मूवमेंट करता हूँ तो भी कोई फ्रेम ड्रॉप आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो के सेटिंग्स आपको क्या रखना होगा वो भी मैं बता देता हूँ, साथ ही साथ आपको जो रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो यहाँ पे सेटिंग्स पे आने के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा, आपके यहाँ डिस्प्ले पे आना होगा, और डिस्प्ले पे आने के बाद जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी ऐसी तरह से आपको करके रखना होगा। ग्राफिक्स के आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको मेरे पास जो 4GB का 1650 का ग्राफिक्स कार्ड है उसमें से यहाँ पे 1835MB जो कि 1.8GB के करीब यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और जो स्क्रीन टाइप है मैं यहाँ पे विंडोज वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो ताकि मेरा FPS बहुत अच्छे से यहाँ पे यूज़ हो जाए जो कि फ्रेम ड्रॉप ना है। DirectX वर्जन जो है यहाँ पे 11x4 रखना होगा। रेजोल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी रेजोल्यूशन पे अगर आपके पास फुल HD मॉनिटर है तो इस रेजोल्यूशन पे आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं वो यहाँ पे टर्न ऑफ करके रखना होगा। पीसिंग को आप यहाँ पे ऑन करके भी रख सकते हैं या फिर ऑफ करके भी रख सकते हैं। पॉज गेम ऑन फोकस लॉस इसको भी ऑन करके रख सकते हैं। अब जो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन वैरायटी है, डिस्टेंस स्केलिंग है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑफ करके रख सकते हैं ताकि आपको FPS बहुत अच्छी तरह से मिल सके। टेक्सचर क्वालिटी यहाँ पे हाई है, बाकी जो चीज़ें हैं सब कुछ यहाँ पे हाई पे रखा है, कोई भी नॉर्मल पे नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें आपको नॉर्मल पे दिख जाएगी जैसे कि पोस्ट इफेक्ट्स जो है वो यहाँ पे नॉर्मल पे, और भी एम्बिएंट ऑक्यूलेशन हाई पे है, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रखनी है और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एडवांस ग्राफिक्स पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको लॉन्ग शैडो यहाँ पर ऑफ मिलेगा, हाई रेजोल्यूशन शैडोज भी ऑफ मिलेंगे, जो भी चीज़ें यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑफ मिलेंगी। तो यहाँ पर ऑफ कर देने के बाद आपको यहाँ पर ग्रेम को रिकॉर्डिंग कैसे करना है, तो रिकॉर्डिंग के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए होगा वो होगा OBS। तो जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ,
तो देख सकते हैं यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये OBS है, इसको यहाँ पे मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको OBS पे आपको अगर 1080p 60fps पे गेम रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे आपके OBS को पहले डाउनलोड करना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे, आपके प्रेफर्ड जो लोकेशन होगा वहीं पे आपके PC के आप इंस्टॉलेशन कर लेंगे। उसके बाद ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना होगा, और सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसमें से बेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे जाना होगा आउटपुट, और आउटपुट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे जाना होगा। और रिकॉर्डिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे बहुत सारे, तो मैं आपको मेरा जो ऑप्शन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट जो है MP4 फॉर्मेट में आपको रखना होगा। वीडियो इनकोडर आपके पास NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड है तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी, तो क्योंकि जो प्रोसेसिंग होगी वीडियो की वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो यहाँ पे NVIDIA ग्राफिक्स का जो कि NVIDIA NVENC H264 वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। ऑडियो इनकोडर जो डिफॉल्ट पे वही आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको एनकोडर सेटिंग्स पे आपको आ जाना होगा। CBR रेटिंग जो यहाँ पे 15,000 kbps आपको कर देना होगा। ट्यूनिंग पे हाई क्वालिटी रख देंगे, और जो चीज़ें बाकी आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी सेटिंग्स को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो पे जाना होगा। वीडियो पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आपके पास अगर 1080p फुल HD मॉनिटर है तो उसके हिसाब से आपको बेस कैनवस रेजोल्यूशन जो है 1920x1080p आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। आउटपुट जो है अगर आप 720p अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं या फिर 1080p फुल रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आउटपुट पे। और उसके बाद कमांड FPS जो है उसको भी आप यहाँ पे 60fps पे सिलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद अगर आप गेम को रन कर रहे हैं बैकग्राउंड पे, जैसे कि मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना होगा, ऐड पे जाना होगा, और यहाँ पे विंडो कैप्चर ऑप्शन को क्लिक करना होगा। विंडो कैप्चर ऑप्शन क्लिक करने के ही आपको यहाँ पे देख सकते हैं विंडो पे GTA 5 जो है सिलेक्ट हो गया, और सिलेक्ट होकर GTA 5 यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। तो इसी तरह से आप अपने जो GTA 5 को है 1080p 60fps इसी सेटिंग्स के साथ लॉग इन जो कि रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं आपके YouTube के लिए या फिर स्ट्रीमिंग के लिए। अगर आप गेमिंग स्ट्रीम करते हैं उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड करके बाद में भी आप स्ट्रीमिंग के साथ साथ भी आप नॉर्मल वीडियो भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, जैसे कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी कि कैसे आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, जैसे कि मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताया कि कैसे आप यहाँ पे 1080p 60fps पे बहुत ही इजी तरीके से जो आपके गेम जो रिकॉर्ड कर सकते हैं वो आप कैसे कर पाएंगे मैंने इस वीडियो में बताया। आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए द रैंडम गाइड गेमिंग को। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं GTA 5 रिलेटेड और भी बहुत सारे गेम के रिलेटेड, तो अगर आपको पसंद आता है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।